हाय, आई एम नेहा अग्रवाल. आई एम फ्रॉम हिसार, हरियाणा. मुझे आरपी है, रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा. इसमें जैसे कि आप जानती हैं कि क्या होता है, बट मैं जब छोटी थी, फर्स्ट टाइम मैं शंकर नेत्रालय गई. वहाँ पर मैं शायद 2003 में गई थी मैं शंकर नेत्रालय. तो वहाँ पर मुझे इस बारे में पता चला कि मुझे ये बीमारी है और इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है. उस टाइम भी उन्होंने ये कहा कि नियरेस्ट 5 ईयर्स में आ जाएगा इलाज, ट्रीटमेंट इसका आ जाएगा माई भी. पर ऐसा नहीं हुआ. फिर आगे और ट्रीटमेंट करा और जगह डॉक्टर्स को दिखाया धीरे धीरे. फिर वहाँ पे कुछ भी नहीं मिलता. हमें ऐसे ही बोलते थे कि आगे 3 साल और वेट करो, शायद आ जाएगा ट्रीटमेंट. नहीं, उस टाइम मैं बच्ची थी तो मुझे इतना ज़्यादा पता नहीं था. उस टाइम विजन पूरा था मेरे को. और 2010 में मुझे पेरिफेरल विजन में प्रॉब्लम होने लगा. मैं स्कूटी राइड करती थी तो उसमें मुझे दिक्कत आने लगी. उस टाइम मुझे ये भी नहीं अंदाजा था कि पेरिफेरल विजन क्या है और मतलब क्या चीज़ मेरी डैमेज हो रही है. मुझे इतना भी अंदाज़ा नहीं था उस टाइम, और ना ही मुझे किसी डॉक्टर ने बताया. मैं उस टाइम 2010 में गई थी डॉक्टर ग्रेवाल, चंडीगढ़ में गई थी. वहाँ पर भी मुझे ये पता नहीं चला कि मेरा पेरिफेरल विजन जो है डाउन हो रहा है. और मैंने खुद ही धीरे धीरे करके फील किया कि और भी ज़्यादा डिक्रीज होती जा रही है. धीरे धीरे स्कूटी राइड करना ही बंद हो गया मेरा. तब मुझे ये अंदाज़ा हुआ कि अच्छा, मुझे ये प्रॉब्लम होती जा रही है कि मेरे को साइड में साइड विजन जो है मेरा लॉस होता जा रहा है. और धीरे धीरे करते उन दिनों मेरा 2011-12 में मुझे पढ़ाई में भी दिक्कत आने लगी. मेरे 2013 में ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई, तब मुझे बस वो मतलब जो मैं पढ़ पा रही थी वो लास्ट ही था. उसके बाद मैं हिम्मत ही नहीं कर पाई कि मैं दोबारा पढ़ पाऊँ. आगे MBA में मैंने एडमिशन भी लिया, बट मैं नहीं कर पाई. आगे मैंने छोड़ ही दिया फिर MBA भी. फिर उसके बाद काफ़ी सारे डॉक्टर्स के गई मैं यहाँ वहाँ. कभी उज्जैन गई, कभी कहीं जो भी मेरे को डॉक्टर्स के लिए रेकमेंड करता वहाँ चेक कराती, और वहाँ से कुछ भी नहीं मिलता. नॉर्मल अपना चेक करते वो लोग डॉक्टर, और फिर वापस घर. कुछ भी नहीं हाथ मिलता, और कोई अपनी मेडिसिन दे देते, कोई उससे भी कुछ खास फ़र्क तो आता नहीं. कुछ खास नहीं क्या, इवन फ़र्क ही नहीं आता. फिर मेरा अब तो हो गया था इतना. उस टाइम डिप्रेशन में आने लगी थी कि कैसे होगा, कोई भी ट्रीटमेंट नहीं है. सारी नेट पर किसी से सर्च करवाती, इवन क्योंकि मैं विजन काफ़ी लॉस हो चुका था कि मैं खुद से नेट भी नहीं देख पाती थी. तो कुछ भी हाथ नहीं आया. फिर उसके बाद मैं अब 2017 में अगस्त में मैं यहाँ पर संजीवा के बारे में मुझे पता चला, तो मैं यहाँ आई और मैंने एक्सरसाइज शुरू करी. यहाँ पर दिखाया यहाँ पर अच्छे से. और तब फर्स्ट डे से लेकर जब भी मैं 15 डेज का मैंने लिया था यहाँ पर ट्रीटमेंट, और 15 डे में जब टेस्ट हुआ और फर्स्ट में जो हुआ था, दोनों में मेरे को डिफरेंस नज़र आया और रिपोर्ट्स में भी इवन नज़र आया, तो काफ़ी खुशी मिली. और उस टाइम पहले मैं आई कॉन्टेक्ट नहीं बना पाती थी, और अब आई कॉन्टेक्ट मैं बना पाती हूँ इजीली. और स्टेयर्स, अपस्टेयर्स में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी. डाउन स्टेयर्स जब जाती थी तब मुझे दिक्कत आती थी, और अब मैं इजीली मैं जा पाती हूँ और देख पाती हूँ, और कॉन्फिडेंटली वो भी. और अगर भीड़ होती है तो मैं अपने घर वालों को पहचान नहीं पाती थी, और अब मैं इजीली पहचान पाती हूँ अपनी मम्मी को, अपने बहन को या पापा को मैं पहचान पाती हूँ. और कभी मैं अकेले जाती हूँ मार्केट में शॉपिंग करने के लिए खुद की, तो मैं देख पाती हूँ कि क्या चीज़ मैं देख रही हूँ और क्या मैं परचेज़ कर रही हूँ, उसकी क्वालिटी या फिर उसका डिज़ाइन जो है. मेरे को बहुत प्रॉब्लम होती थी कि डिज़ाइन में जो ले तो रही हूँ, डिज़ाइन क्या है, या साथ वाले को पूछना है, मम्मी है तो साथ में मम्मी को पूछना कि मम्मी ये कैसा है, क्या है, कलर क्या है. तो थोड़ा मैं अब देखने लगी हूँ उसको, मैं पहचानने लगी हूँ. और कभी मैं ऑटो रिक्शा को बुलाती तो मैं अब दूर से देख पाती हूँ कि हाँ आ रहा है कुछ, तो ऑटो आ रहा है या रिक्शा आ रही है, तो मैं कर पाती हूँ वो चीज़ भी. और काफ़ी इस टाइप की काफ़ी चीज़ों में, अब जैसे होर्डिंग्स लगी होती है, कुछ भी बैनर्स होते हैं, तो मैं वहाँ पे एक एक लेटर करके मैं वो पढ़ पाती हूँ. मैं उसको भी मैं इजीली अब पढ़ने भी लगी हूँ, तो मुझे काफ़ी फ़ायदा नज़र आने लगा है. शुरुआत है मेरे इस चीज़ की कि मैं देख पा रही हूँ और कर पा रही. शायद आगे आने वाले टाइम में मैं और भी ज़्यादा कर पाऊँ. थैंक यू.